नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। क्रिसमस से लेकर साल के पहले दिन तक पार्टी लवर्स के लिए जो मस्ती टाइम होता है उस पे लगा ओमिक्रॉन का ग्रहण। सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। पार्टी लवर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि वो पार्टी करे तो करे कैसे। आज 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस का त्योहार मना रही है और 6 दिन बाद नए साल का आगाज होने वाला है। अब ऐसे में युवा पार्टी ना करे ऐसा शायद ही हो, मगर इस साल शहर में रात भर चलने वाली रंगारंग पार्टियां नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए क्रिसमस वाली रात यानी 25 दिसंबर की आधी रात से प्रदेश में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू राज्य के सभी शहरों में रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दरअसल राज्य में रायबरेली से ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। बताया जाता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति कुछ दिन पहले ही विदेश से आया था, जिसकी पुष्टि जिले के CMO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी किया है। एक रिपोर्ट आई है ओमिक्रॉन पॉजिटिव की। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन ने युवाओं को मायूस कर दिया है। रात भर नहीं हो सकती पार्टियां, क्या कहते हैं युवा, देखिए ये रिपोर्ट। ये बताइए कि आज से ही जो है नाइट कर्फ्यू भी लग जाएगा। हाँ, ओमिक्रॉन की वजह से। या तो कितना, क्या मौज मस्ती में कितना फर्क पड़ेगा क्रिसमस ईव पर? आई थिंक सही भी है, क्योंकि कोविड है तो प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। और नाइट में 11 से स्टार्ट होगा तो सही है, मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं और रूल्स भी फॉलो करेंगे तो शायद जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भीड़ को देख के तो लग रहा है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्योहार पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि डर तो है। डर डर के ही लोग आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। नहीं, ओमिक्रॉन का तो इफेक्ट पड़ेगा ही। नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए कायदे से, और भीड़ भाड़ को रोकना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वो थर्ड वेव ज़्यादा खतरनाक है। नहीं, जिसको एंजॉय करना है अभी भी इस टाइम पे भी एंजॉय कर रहा है। टाइमिंग का एंजॉय से कोई रिलेशन नहीं है। जिसको एंजॉय करना है वो कर लेगा। सिर्फ रात का ही कर्फ्यू है, पूरे दिन खाली है। जी इफेक्ट तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट तो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मौज मस्ती होती थी उस पर कुछ, हाँ, उसमें तो बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, लोगों की मौज मस्ती में इफेक्ट पड़ेगा, पर लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा ना। सभी से अपील करते हैं हम कि लोग मास्क लगाएं, और जो ओमिक्रॉन का खतरा है लगातार जो बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखें, और ध्यान में रख करके ही एहतियात से त्यौहार मनाएं। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। नमस्कार।